Good morning everyone. Welcome back to the second part of the video of the chapter Materials of Daily Use. So बच्चों आज हम लोग wool के बारे में specially पढ़ेंगे. जैसा कि last video में मैंने बताया था आप लोगों को, in further we are going to study about the wool and silk specially. Okay? तो animals fiber में सबसे पहले हम लोग आज wool के बारे में study करेंगे. आज wool का कुछ introductory part हम लोग देखते हैं. Next day we are just going to study about how we are just going to produce a wool from sheep. Sheep से हम लोग मिलनी कैसे wool produce करते हैं, क्योंकि sheep ही एक ऐसा animal है जो कि large producer होता है wool का, है ना? तो सबसे पहले ये समझो बच्चों, जब भी wool की बात आती है तो हम लोग mind जो है directly चला जाता है winter की ओर. Why? Because we are especially wearing the woolen clothes in winter. हम लोग mainly क्या करते हैं, woolen clothes winter में पहनते हैं. What is the reason behind it? हम लोग विंटर में ही क्यों आखिर वुलन क्लोथ्स पहनते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें ना गर्मी नहीं देते हैं. सर ठंडा लगता है इसलिए तो हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. तो फिर ये गर्मी नहीं देगा तो फाइनली हम लोग करेंगे क्या, क्यों पहनेंगे आखिर विंटर में? तो बच्चों ये गर्मी नहीं देता है, आपको इस चीज को समझना है स्टैंडर्ड 7 में स्पेशली, ठीक है? एक्चुअली इट इज नॉट प्रोवाइडिंग अस हीट. ओके, ये हमारे बॉडी के हीट को ट्रैप करता है, ये हमारे बॉडी के हीट को ना सराउंडिंग्स में मिक्स होने नहीं देता है, ठीक है? ताकि ये हमारे बॉडी को कोल्ड ना कर दे, ठीक है? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारे बॉडी के हीट को ना ट्रैप करता है, ये हमारे बॉडी के हीट को ना बाहर एनवायरमेंट में रिलीज नहीं होने देता, कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता. दैट्स वाई वी आर जस्ट गेटिंग प्रोटेक्ट. ओके, वी आर जस्ट गेटिंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन बाई वियरिंग वुलन क्लोथ्स. जनरली स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स ओढ़ते हैं, देखे होगे, है ना? तो आज हम लोग जो है बच्चों पढ़ेंगे कि वुल, ठीक है, है ना, वट इज वुल. सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं वट इज वुल. सो वट इज वुल? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वुल इज अ फाइबरस प्रोटीन विच इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम स्पेशलाइज स्किन सेल्स फ्रॉम फॉलिकल्स. अब समझो कि सर ये फॉलिकल्स नया वर्ड कहां से आ गया? तो इन हिंदी वुल क्या बोलेंगे, एक फाइबरस प्रोटीन है, ठीक है? ये एक तरह से जो शिप के और एनिमल्स के बॉडी में जो हेयर्स होते हैं, फ्लिक होते हैं, है ना, वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड होते, वो बने हुए होते नेचुरली प्रोटीन के हेल्प से, है ना? एंड इट इज फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्किन सेल्स. ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड स्किन सेल होता है, आपको जो है कुछ पार्टिकुलर एनिमल्स में ही मिलेंगे इस तरह के सेल्स, ठीक है? सारे एनिमल्स में नहीं मिलेंगे. इन लास्ट वीडियो आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस आल्सो, गिव द सिक्स नेम ऑफ एनिमल्स व्हिच इज जस्ट प्रोवाइडिंग, ओके, फ्रॉम वेयर वी आर जस्ट गेटिंग द वूल. ओके, सो आपने दिया भी था आंसर्स, बहुत सारे बच्चों ने जो है व्हाट्सएप में आंसर दिया था, गुड, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि हम लोग कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल गॉट, याक, लैम्ब, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ से फ्रिक्वेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वुल ऑब्टेंड करते हैं हमारे, ठीक है, स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए. नाउ व्हाई हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने इमेजिन किया या सोचा है कि व्हाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज, कि क्यों जो है इन एनिमल्स का थिक कोट होता है हेयर का उनके बॉडीज में? हैव यू एवर थॉट? नो, बिकॉज वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग. ओके, वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग दैट वट एवर वी आर यूजिंग, नो वी आर एक्सेप्टिंग. हम लोग ना कुछ भी यूज करते हैं या काम करते हैं तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये ऐसा ही होता है, लेकिन कभी उसके बारे में ना सोचते नहीं है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर पर फैन मूव करता है, अभी समर का टाइम है, आपके घर में फैन चल रहा होगा, कूलर चल रहा होगा, कुछ घरों में एसीज भी यूज हो रहे हैं, लेकिन कभी आपने उसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर स्विच ऑन करने पर ही वो कैसे वर्क करता है. ऑन द सेम वे हियर इज अ क्वेश्चन दैट why these animals have a thick coat of hair on their bodies, क्यों आखिर इन animals के body पे एक thick coat होता है hair का, ठीक है? तो एकदम simple सा answer बच्चों, this is because air is a poor conductor of heat, ठीक है? air क्या होता है, insulator होता है heat का, air कभी भी heat को allow नहीं करेगा एक जगह से दूसरे जगह pass करने में easily, it is a poor conductor. okay, the thick coat of hair traps a lot of air, जो ये थिक कोट होता है ना हेयर का, वो बहुत सारा एयर ट्रैप किया हुआ होता है बीच में, है ना? देयर बाय क्रिएटिंग एन इंसुलेटिंग कवर दस हेयर शील्ड देयर बॉडीज फ्रॉम कोल्ड एंड कीप दिस एनिमल्स वार्म. इसलिए वो जो हेयर होता है वो एक तरह से शील्ड के जैसा वर्क करता है उनके बॉडी में, ठीक है? और
उन एनिमल्स को कोल्ड में, ठीक है, विंटर में खास करके जो है वार्म रखते हैं, उनके बॉडीज के हीट को अलाउ नहीं होने देते बाहर जाने में। सो दिस इज द बेसिकली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो आपने ना हमेशा याद रखना है, ये एग्जाम्स में आते हैं। एंड नाउ आफ्टर दैट देयर विल बी टू डिफरेंसेस, ओके, दैट सर व्हाट इज हेयर एंड व्हाट इज फ्लेक, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि कभी भी आप जब शिप के बारे में स्टडी करोगे ना, तो एक वर्ड आएगा फ्लिक, FLECE, फ्लिक, आखिर ये क्या है? और हम लोग जो बेसिकली जानते हैं कि वुल के हेयर से, सीप के, सीप का हेयर से जो हम लोग वुल ग्रास्प करते हैं, हम लोग को वुल मिलता है, तो आखिर उसमें, उस हेयर में और ये फ्लिक में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है बच्चों, फ्लिक बोलते हैं द थिक कवरिंग ऑफ वुल ऑन अ सीप यूज टू मेक पीस ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, जो वुल के ऊपर का थिक कवरिंग होता है ना, उसे हम लोग फ्लिक वर्ड से डिनोट करते हैं, फ्लिक वर्ड कहते हैं, फ्लिक, दैट इज FLECE, फ्लिक। बट वट इज हेयर? Hair is the mass of thin thread like a structure that grows out of the skin. जो skin के ऊपर grow करता है ना hair, ठीक है, that is known as hair. It is present in almost all the animals, especially, basically many of the animals it is present. तो ये आपने याद रखना है। एक आपको जो है, ठीक है, एक general सा do you know बताता हूँ। In 2007 a Croatian company designed an entire dress for a fashion show with 165 feet of blonde human hair. ठीक है, 2007 में क्रोएशियन कंपनी एक था, उन्होंने क्या किया था, एक डिजाइन किया था, ठीक है, फैशन शो के लिए लगभग 165 feet ह्यूमन हेयर से, ह्यूमन हेयर से उन्होंने जो है कंप्लीट फैशन शो में जितने भी क्लोथ का यूज हुआ था उसे डिजाइन किया गया था। सो मेनी ऑफ द facts you are just going to understand in this chapter, it is very interesting chapter bachcho, theek hai, now kya hota hai na ki jaise ki especially it is in bio part, so yahan aapko ye samajhna hai ki aakhir kya sare sheep se sab zyada matra mein wool milta hai, kya jo indian sheep hai ya fir foreign sheep hai kya sab ek tarah ka dete hain, fir bhi hum log dekhte hain ki kuch qualities sweaters ka, shawls ka, jackets ka differ hote hain, what is the basic difference, why these are different, to ye na ekdam simple samjho, ye is tarike se ye hybridization process hai, jaise abhi summer ka time hai na, to aap dekhe hoge ki aapke jo hai bagiche mein, aapke jo hai garden mein mangoes na अभी छोटे छोटे होंगे, ठीक है, कहीं तो मंजर हुआ भी होगा अभी हाल फिलहाल, है ना, और आपको जो है मार्केट्स में बहुत ही पके और रसीले आम अवेलेबल मिलना स्टार्ट हो गए, फ्रॉम वेयर इट हैज केम, क्या सीजन से पहले आ गए आम? उसी तरह से यहाँ भी आपको समझना है बच्चों कि क्या होता है, कुछ पार्टिकुलर वेदर कंडीशंस के कारण शिप जो होते हैं कहीं किसी प्लेसेस के बहुत ही बेहतरीन होते हैं, उनके जो फ्लिक होते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, ओके, और बहुत बढ़िया मात्रा में और बहुत अच्छा क्वालिटी में जो है फ्लिक प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ का वेदर कंडीशन के कारण उन लोगों का फ्लिक जो होता है, थिक कोट जो होता है हेयर का उनके बॉडीज में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं होता है। सो व्हाट वी पीपल आर डूइंग, वी पीपल आर जस्ट गोइंग फॉर द सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ताकि हम लोगों को ना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिल सके, ठीक है, जैसे व्हाट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फिर ये जो वर्ड है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फिर पूछोगे सर आखिर ये है क्या, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट इज सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इट इज़ अ प्रोसेस, ओके बच्चों ये याद रखना, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पेरेंट्स आर सेलेक्टिवली चूजन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सर्टेन स्पेशल फीचर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग्स, इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे सपोज आपको ऐसा कोई शिप चाहिए जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर है, ठीक है, और ऐसा भी शिप चाहिए जिसका हेयर का, जिसके फ्लिक का क्वालिटी जबरदस्त होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, जिसके बने प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में बहुत ही कॉस्टली बिके, लेकिन हमारे लोकेलिटीज़, हमारे जो आसपास का प्लेसेस हैं उन जगह के सिप्स का ना हेयर लॉन्ग है बट द क्वालिटी इज़ नॉट सो गुड, और बाहर के जो किसी और प्लेसेस के जो है सिप वहाँ का क्या है, क्वालिटी अच्छा है बट द हेयर इज़ नॉट सो लॉन्ग, तो हम लोग ना उन दोनों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, आफ्टर क्रॉस ब्रीडिंग वी आर जस्ट गेटिंग, वी आर ऑब्टेनिंग देयर ऑफ स्प्रिंग, उनके जो चाइल्ड होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों क्वालिटीज़ होंगे, ठीक है, उनका हेयर भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा और जो है उनका हेयर का फ्लिक का क्वालिटी भी ज़बरदस्त होगा, एंड आफ्टर दैट व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दैट काइंड ऑफ फ्लिक टू ऑब्टेन द टू जस्ट मैन्युफैक्चर द स्वेटर शॉल्स, तो वो जो होगा ना शॉल्स और स्वेटर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉस्टली जो है मार्केट में जो है बिकेंगे, है ना बच्चों? नाउ
आफ्टर दैट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई वी आर गोइंग फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग. सेलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए हम लोग मेनली ना क्वालिटी इन्हांस करने के लिए और क्वांटिटी इन्हांस करने के लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि एक स्वेटर का वो जो वुल है उसका क्वालिटी इन्हांस हो और उसका क्वांटिटी भी इन्हांस हो. क्वांटिटी तो बच्चों ये जो ब्रीड्स ऑफ सीफ है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने कंट्रीज में भी होता है. जैसे कि आप ऊपर अपने स्क्रीन पे वीडियो में देख ही रहे होगे एक टेबल बना हुआ है. उस टेबल में देखो कि एक ब्रीड का नाम भकरवाल है, ठीक है, और ये भकरवाल जनरली कहाँ फाउंड होता है, जम्मू कश्मीर में, अपने कंट्री के नॉर्थ मोस्ट नॉर्थ पार्ट में, ठीक है. और इसका वुल का टाइप क्या होता है, वुलन सॉल्स इससे जनरली बनते हैं. एक लोही है जो कि पंजाब राजस्थान में मिलता है, इसका भी गुड क्वालिटी वुल होता है जो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट आप देखो मारवाड़ी है, मारवाड़ी जनरली गुजरात में फाउंड होता है और इसका जो वुल होता है वो थोड़ा कोश होता है ना. नाली है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में फाउंड होने वाला है. इससे जनरली कारपेट वुल बनाया जाता है. कारपेट वुल देखे होंगे जो घरों पे, ठीक है, टाइल्स वाले घरों पे जो एक सरफेस पे यूज़ किया जाता है कारपेट्स, है ना. फिर पटनवाड़ी है, पटनवाड़ी भी आपका गुजरात में मिलता है और इससे हॉइजरी मतलब आप समझ लो एक तरह से, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स बनाने में यूज़ होते हैं. रामपुर बुशहर है, ये भी पंजाब हरियाणा और राजस्थान में मिलता है, इससे भी कारपेट वुल बनाते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे शिप्स का ना ब्रीड्स हैं और वो अलग अलग स्टेट्स में अपने कंट्री में पाया जाता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बनाए जाते हैं, ठीक है. बट ऑल दो शिप्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ वुल, वुल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट्स एंड याक हेयर, ठीक है. लेकिन शिप जबकि बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला, वुल प्रोडक्शन करने वाला एनिमल है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत सारे बकरियों पे, ठीक है, गॉट्स पे और याक के हेयर से भी हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट वुल्स ऑब्टेन करते हैं. जैसे आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ, अंगोरा वुल. अंगोरा वुल ना बहुत ही अच्छा वुल होता है जो कि अंगोरा गॉट से मिलता है हम लोगों को. और ये अंगोरा गॉट कहाँ पाया जाता है बच्चों, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, जिसके हेल्प से पाश्मीना शॉल भी बनाए जाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड फेमस है. पाश्मीना शॉल आप कहीं भी पूछना, कहीं भी सुनना तो जानोगे, पाश्मीना शॉल इज़ वेरी फेमस. एंड इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड थ्रू द शिप वुल, इट इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू द गॉट वुल. एंड व्हाट काइंड ऑफ गॉट इट इज, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ अंगोरा गॉट विच इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, ओके, ऑफ आर कंट्री. क्लियर. नाउ मेनी ऑफ लाइक वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स ऑल्सो, कैमल के बॉडी से भी ऑब्टेन होता है. जैसे साउथ अमेरिका में वुल ऑब्टेन होता है लैमा और अल्पाका नाम के एनिमल से, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख ही रहोगे ऊपर फिगर में, ठीक है, लैमा और अल्पाका नाम के एनिमल से साउथ अमेरिका में वुल प्रोड्यूस करवाया जाता है. सो बच्चों आज के लिए वुल से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ आप लोग जान गए. नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ वुल शिप से आखिर कैसे होता है. सारे एनिमल्स का अगर हम लोग देखें तो अभी स्टैंडर्ड 7 में आपको सिर्फ शिप के बारे में स्टडी करना है. तो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ वुल फ्रॉम शिप. ओके, टिल द टाइम यू मस्ट हैव टू गिव द आंसर्स विच हैज बीन आस्क्ड एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. तो बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा कंट्री आवर इंडिया, ओके, दैट व्हाट इज द वर्ल्ड्स रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ वुल ऑफ सीप, ठीक है, हमारा जो कंट्री है वो वुल के प्रोडक्शन पे कितने नंबर पे आता है, ठीक है, एंड विच कंट्री इज आर द टॉप, मीन्स कौन सा कंट्री ऐसा है जो शिप के वुल प्रोडक्शन पे सबसे टॉप में है. ओके, सो आई होप यू विल कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मुझे आशा है कि आप इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालोगे. एंड द टॉप फर्स्ट 6 विनर्स नेम एंड देयर फोटोज विल कम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग न्यू अपडेट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ वराइटी ऑफ न्यू टॉपिक्स एंड ऑल, सो दैट यू कैन लर्न एंड यू विल जस्ट मेक योर बैकबोन, दैट इज द नॉलेज ऑफ बैकबोन स्ट्रेंथ. ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे.